2 मिनट सेक्स के लिए पता नहीं कितना जिंदगी बर्बाद हो जाता है। उनके पालने के लिए, नौकरी के लिए बाहर निकले थे, मगर हम नहीं सोचा था इस लाइन में आ जाएंगे। मैं पहले कलकत्ता में था, गरीबी थी, छोटा छोटा भाई था। मेरा घर वाले सोचते शादी में, मगर घर वाले के पता नहीं जो हमें काम करते, एक आधा काम धंधा करते, अपने पेट पाल लेते। पहले के जमाने में 25 रुपये में काम करते थे। अब तेरे को 40-50 रुपये के रोज दिलाएंगे, चलो बोल के लेके आया। हमें क्या पता है, ये जीवी रोड में छोड़ के चले गए, बेच दिया के छोड़ के गए, तो हम रास्ता ही भूल गए ना। उस टाइम में थी 14 साल की थी, 13 या 14 साल की होंगे जहाँ तक मुझे याद है। 1992 का तो मेरा जन्म है। यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था हम लोगों का, बच्चा दिमाग था। ऐसे ही कोई लेके आया काम करने के बहाने में, उसका तो पता ही नहीं कौन थी कौन नहीं थी। स्टेशन पर मिली थी मेरे को, उसने बोला क्या कहते भूख लग रहा, मैंने बोला हाँ भूख लग रहा है, बोला चाय पिएगी, मैंने बोला, उसने चाय पार्ले जी दिया मुझे इतना याद है। उसके बाद सीधी दिल्ली आई हूँ। जब 2 दिन घर पे रखी रोहिणी, वहाँ रखने के बाद फिर 42 पे ले गई थी फर्स्ट टाइम। नहीं भाग सकते ना, बहुत तो होती है, कठिनाई होती है। उन नौकर रहते हैं, फिर उनके नायिका रहती है, नायिका जो हम लोग को खरीदती है वो होती है, जो जो ऊपर बैठी रहती है, जिनकी लड़कियाँ कमाती है वो बैठ के हिसाब लेती है, पैसे लेती है, वो नायिका होती है। वो लोग हमें नशे में रखते थे कि नशे के धुन में काम करते रहेंगे, कहाँ से निकलेंगे। अगर उनको हल्का सी भनक पड़ गया ना कि भागने वाली है, तो बहुत मार मारते बेल्ट से, डंडे से, वो भी कमरे में मिल जाकर ऊपर तय खाने में बंद करके मारते। तो मार खाने से इंसान भागता ही नहीं है, जब मौका मिलता है तो भाग ही जाता है। अभी मौका कब मिलता है, जब छापा पड़ता। लड़कियां तो बहुत दूर दूर से लेके आते हैं पटापटा, मद्रास के, नेपाल के, बंगाल के, सब तरीके मिलापट है यहाँ पे। तो नीचे भी खड़े रहते कोई कोई हरामी लोग होता, वो रंडी हाथ लगा के चला जाता, गाली बक के चले जाते, कोई मार के भी चले जाते, क्या कर सकते। आँख खोलते नीचे आना, काम पे जाना, तो ये तो दिन रात काम ही चालू है, इसमें रात तो कहाँ देखते हैं। उसमें इंसान आते हैं हमारे पास, थोड़े देखने पड़ते इंसान को ले जाने, जो आए उन्हीं को ले जाना पड़ता। ना इसमें मोटा देखना, ना बुढ़ा देखना, ना जवान देखना है। कोई कितना नशे करके आता है, कोई गोली खा के आता है, कोई क्या करके आता है, सबको झेलना पड़ता है, किसी को मार के भी भगाना पड़ता है। जब तक हाथ पाँव जवाब देगा काम करना ही है। इस टाइम में तो इतने इतने बच्चों तक को पता जीव रोड क्या है, और बच्चे बच्चे घूमने के लिए आते हैं पूछने के लिए। उन बच्चों को देख के कभी सोचते यार ये बच्चे आ रहे कल को, हमारे बच्चे आएंगे तो क्या सोचूंगी मैं। कोई थोड़ी माँ चाहेगी कि उनका बच्चा इस जगह में है,
यहाँ के बच्चों को देखते नहीं, कोई पता नहीं क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई इसमें क्या बन गया, कोई जेबकतरा बन गया, ये सब दिमाग में घूमते रहता है कि यहाँ से जितना दूर रहेंगे ना उतने सही रहेंगे। हम बुराई करके इनके पेट पाला, बड़ा करा, पैदा करा, अब वो लोग समझेगी ना। गुटका छोड़ दो तो 20 को रोज जोड़ो, उससे इसकी पढ़ाई में मदद होगी, तो मेरी पढ़ाई भी मदद होगी। मेरा नाम कुणाल कुमार है और मैं जीबी रोड पे, कम से कम मेरे को 20 साल हो गए क्योंकि मेरी उम्र ही 20 साल है और मेरा जन्म ही यहाँ पे ही हुआ है। जब मैं छोटा था, आई थिंक 5-7 साल चल गए, जो बच्ची की उम्र खेलने कूदने की होती है, वो खेलने कूदने की उम्र, खेलना कूदने तो मिला नहीं, मतलब कि घर में रहना एंड समझना कि एक आदमी आ रहा है, एक आदमी जा रहा है, एक आदमी आ रहा है, एक नए नए चेहरे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो आवाज़ें बुला रहे हैं, क्लाइंट्स को बुला रहे हैं औरतें, तो वो सब दिमाग को जाते गया, पर वो कभी समझ में नहीं आया। मुझे ये तो पता था कि हाँ ये सब होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये गलत है सही है, ये सब मैं गलत तो मानता था कि गलत हो रहा है। मेरी मदर भी यहाँ रहती है, मैं देखता हूँ उनको, मैंने उनकी लाइफ में उनको देखी कैसा ऐसा पेनफुल लाइफ रही है और कैसे वो दर्द से रही है, तो क्योंकि मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरी लाइफ है वो। बच्चों से कहाँ कुछ बातें हुआ थी, बच्चे तो मैं सुझाती हूँ, सो जाती हूँ, बस वो बोलती मम्मी सो रही, मम्मी को उठाना नहीं, सोने दो। दो को तो हॉस्टल में डाला मैंने, अभी 1.5 महीना हो गया, उनसे बातें करते रहती हूँ। ऐसे ही कहते मम्मी अच्छा नहीं लगता, उनकी याद तो आती है, कहते मम्मी अच्छा नहीं लगता, मैं आना चाहता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई लिखाई करके मुझे बड़ा हो जाता, मेरे को देखेगा तो सही, ये बोल के उनको समझाती है। एक पल था कि मेरी मम्मी आई क्यों उधर, मम्मी नहीं आ सकती थी, तो मम्मी से मैं गुस्सा रहने लग गया था, पर आगे चल के पता चला कि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, वो जो पैर थे ना, जो चलने के हमारे जो पैर होते हैं कदम, वो उनके हाथों में नहीं थे, वो किसी और के इशारों में चलते आई है। जिंदगी जितना देखना था बहुत कुछ दिखा दिया, छोटी सी उम्र से मैं बहुत कुछ दिखा दिया, अब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अभी रूम लेने में मुझे इतनी परेशानी हो रहा था, कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था, सब कह रहे थे आदमी का आईडी प्रूफ लाओ, क्या काम करते हो, मैंने बोला सिलाई का काम करती है, ऑफिस का लेकर आओ, वो दो, वो फलाना ठिकाना दो, पैसे दिया, पैसे आपसे कर दिया। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपाने पड़ती है, आइडेंटिटी फेस नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, शक्ल नहीं, रंग नहीं, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है कि शाहदार मार्ग, जीबी रोड। स्कूल्स में बच्चे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से ही उनकी आइडेंटिटी कार्ड बनती है और स्कूल में आई कार्ड बनता है, आप जो दिखाओगे फिर आईडी कार्ड पर जीबी रोड लिख जाता है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुद ही अलग कर देती हैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ की औरतों को, वो डरती हैं अपनी आइडेंटिटी बताने में। नहीं, मैं स्कूल ज़्यादा गया नहीं, डर जाता था स्कूल जाने से, क्योंकि पहले मैं यहीं का हूँ तो मैं हमेशा डर में रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा मेरे को लोग पहचान लेंगे कि मैं कहाँ से हूँ, तो इसलिए मैं गया ही नहीं कभी। लोगों के बहुत मुश्किल होता है अपने आप को एक्सेप्ट करना, वो भी ऐसे एरिया से, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि समाज ही ऐसा है। जीरो पर रहना आसान बात नहीं होता, आपके पास एक छोटा सा कमरा, एग्जाम्पल नॉर्मल किसी घर में टॉयलेट हो, इतने बड़े टॉयलेट और बाथरूम अटैच हो, इतना बड़ा कमरा, आप 3 फैमिली रहे उसमें, उसी में आपका सामान, उसी में आपको रहना, उसी में आपको बनना, कुछ कमरे यहाँ पर लाइट नहीं रहती, अंधेरी अंधेरा कमरा बिल्कुल, तो ये जीबी रोड जो टैबू है, जो शब्द है जीबी रोड, ये अपने आप में इंसान की पहचान बना देता है। बाहर के लोग यहाँ को इस नज़र से देखते, इंजॉय करने के लिए आते हैं, उस नज़र से देखते हैं, मैं तो पैसे देना, अपना काम करना जाना है, लेकिन दुनिया की नज़र में नहीं है ना, काम गंदा ही काम है दुनिया की नज़र में,
जो हम बाहर नौकरी करेंगे इंसान उस नजर से देखेगा ना, इस काम के लिए नहीं देखेगा उस नजर से। पंद्रह दिन बोनी भी नहीं होती, खड़े हो रहते नीचे। ये बदनामी है, कामना धाम है, ये यहाँ पे रहता कितना पैसा होंगे, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं। सीधी बात है, 150 कमा तो घर का खाना बना ले, तो खा ले, तो कुछ जोड़ नहीं पाता। काफ़ी लड़कियाँ तो चला भी गए, क्या करेगा जीवी रोड पर, कुछ नहीं है, बदनामी है। हमारे पास सहारा नहीं है, सहारा हो जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, हम भी क्या करेंगे यहाँ पर। जीबी रोड पे उस टाइम कोई भी 1% हेल्प नहीं कर रहा था, एक भी। हम ही बच्चों ने हेल्प करी थी, ना कोई बाहर का बंदा आया था, ना कोई सरकारी मदद मिल रही थी उस टाइम। क्योंकि जब उस टाइम फिर मीडिया में चले गया कि जीबी रोड बहुत भूख मारी है, लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते, भूख मारी, यहाँ की औरतें भूखे मर रही है, उनका राशन नहीं है, ये वो सब। जब जब बाढ़ आती है, कुछ भी ऐसी नेचुरल इंसिडेंट होता है, कुछ भी, जब ट्रैफिकिंग बहुत होती है आस पास। अभी जैसे हमने मान फाउंडेशन की शुरुआत की है, हम फर्स्ट दीदी के डॉक्यूमेंट सीख करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड। सबसे पहले हम आधार कार्ड ठीक करवाएंगे, फिर पैन कार्ड, एक एक स्टेप लेंगे। जिनको BPL कार्ड बनवाएंगे, किसी को पेंशन करवाएंगे, तो फिर हमारा एक प्लान है कि हम आगे आके कुछ सालों के अंदर एक अपना क्लिनिक कुछ ऐसा सेटअप करें ओनली फॉर जीबी रोड की औरतों के लिए, जो एज दी दिया है उनके लिए, कुछ ऐसा उनके लिए सिस्टम कुछ बनाए जहाँ पे वो कमा सके अपनी खुद की मेहनत से। छोटे छोटे प्लान्स है कि जेब में 5,000 रुपये रखो और शॉपिंग करने जाए, मॉल्स में नहीं, सरोजनी मार्केट में बहुत सारे कपड़े लेके आओ, मज़ा आ जाए भाई साहब। फिर पहने एक दूसरे कपड़े, एक जैसे कपड़े लेकर आए, एक जैसे कपड़े पहने, जूते लाए अच्छे अच्छे, तो ये बहुत अच्छे। और एक प्लान है कि अपनी मम्मी को पिक्चर दिखाने ले जाऊँगा एक बार। भविष्य के ऐसे लगता है एक घर मिल जाए, मैं बकरियाँ पालूँ, मुर्गिया का बच्चा पालूँ, दुकान खोलूँ। हो सकते लड़का दुकान खोल दे, मम्मी दुकान खोल दे, तो आप बैठ के चलाओ, अपने पेट चलाओ। इसी को मान के चल लिया फ्यूचर, जब तक भगवान चाहेगा खुद ही निकाल देगा। अगर हम चाहेंगे ना खुद से निकलने के लिए, दोबारा यहीं पे आ जाते हैं, इसीलिए भगवान के भरोसे छोड़ रखा। एक ना दिन तो उसको आएगा, रहम तो आएगा, वो खुद ही निकल देगा, ये मान के चला।